और जेल में थे, गुजरात भी रखा गया उनको, पिंडी भी, दद्दाराम केस में। वो सिकंदर हयात ने बगावत का केस बनाया जिसकी सजा कम से कम काला पानी वरना सजाए मौत। दो मुकदमे थे। अब्बा जी फरमाते हैं मैंने जिंदगी में कभी कुश्ते नहीं खाए। जब मुझे ये बताया वकीलों ने भी कहा कि शादी अल्लाह ही आपको बचा दे तो बचा दे, वरना हुकूमत ने यह काम किया है आपको फांसी होगी। मान लगे कि मैंने जेल में खूब वर्जिश शुरू की और मैंने वहां कुश्ता मंगवा के खाया। मेरी सेहत ऐसी थी कि देखने के काबिल। मैंने कहा अगर मौत आ गई है तो फंदे पर नहीफ नदार कमजोर जिस्म से न जाऊं, तख्ते पर जाते हुए लोग ये न कहें कि डर गया, कमजोर हो गया, बीमार हो गया, मैं तवाना होकर जाऊं। तो मैंने जेल के सुपरिंटेंडेंट से दोस्ती थी थोड़ी सी, यानी मैंने कहा यार मैं जरा जो जहाँ आप फांसी देते हैं ना वहां जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा शादी क्या बात है, खैरियत है आप? उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम आओ मेरे साथ चलो। मैंने कहा फांसी घाट चले गए। तो बातें कर रहे थे, मैं भाग के ऊपर चढ़ गया। वो हैरान कर लगा शादी क्या कर रहे, मुझे भी मरवाओगे? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, तुम एक काम करो, मैं आंखें बंद कर लो, ये फंदा मेरे गले में डालो। मैंने उसने इनकार किया, मैंने खुद डाला। फरमाते फिर मैंने अपने दोनों हाथ पीछे रखे तो ये भी फरमाया कि फिर मैंने अपने यार की तरफ ध्यान दिया तो मैंने यार को मुतमईन पाया। तो मैंने कहा गवाह है तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह के राह में जाता हूँ तो मैं डर कर सहम कर कमजोर होकर नहीं।